हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना घरों में पूरी प्रिकॉशंस के साथ रह रहे होंगे, और जिन्हें ज़रूरी काम से अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो उनका वेलकम भी आप विद प्रिकॉशंस कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और अब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है हिमांशी शर्मा फैमिली, और मैं संपदा शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो रैंडमली मेरे दिमाग में आया, तो वो इस प्रोडक्ट के बारे में है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये मुझे प्रोडक्ट रैंडमली मुझे मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आप इसे प्लीज़ वॉच कीजिएगा। हाँ, और अगर किसी के पास ऐसी फूड बास्केट होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ जी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुछ लुक इसकी, तो चलिए आप इसका पूरा वीडियो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये है वो मेरी फ्रूट बास्केट जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसे मैंने रैंडमली यूँ ही मार्केट की थी, मुझे बास्केट की ज़रूरत थी, फ्रूट बास्केट की, अपने डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए, तो मैंने इसको ले लिया। और ये सच में बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले लेती है। देखिए ये अभी कुछ इस तरह से है, ठीक है, अभी ये कुछ इस तरह से है। अभी आप इसे हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये अपनी पहली शेप में आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरह है। देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए, ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। आप इसको हल्का सा और प्रेस करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा, जो कि एक फ्लावर पॉट की तरह है, यानी जो गमले रखते हैं ना उस शेप की आ जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस शेप में आ गया। ठीक है, आप इसे हल्का सा और प्रेस करेंगे तो एकदम ये पेंसिल स्टैंड या पेन स्टैंड की शेप में आ गया। और जब मैं इसे मार्केट में लेने गई थी तो ये उसी शेप में पड़ा हुआ था, तब उन्होंने इसके अंदर सर्विंग स्पून्स डाल के रखे थे, और ये तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब उन्होंने कहा कि ये भी फ्रूट बास्केट है, तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी फ्रूट बास्केट होगी, मैंने इसको इसी शेप में देखा था। उन्होंने मुझे जब खोल के दिखाया तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, अभी मैंने आपकी इसको दो तीन इसकी शेप्स बता दी हैं, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी फिल्म बाकी है दोस्तों। देखिए, अब मैं इसको दोबारा जो इसका शेप था उसमें इसको ओरिजिनल शेप में लेके आ रही हूँ। देखिए, ये फिर वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। हमने पहले इसको यहाँ से इसकी शेप्स बनाई थी, अब हम इसको उल्टा करके इसकी शेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये अभी ऐसा है, इसको आप हल्का से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो देखिए ये कुछ इस शेप का आ गया, इस शेप का। ठीक है, तो हाँ, ये शेप मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब आप फ्रूट डालते हैं तो ये थोड़ा सा प्रेस होके थोड़ा सा मैसी सा लगता है, तो मैं इस पर बहुत कम रखती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये इसकी एक और शेप आ गई। हाँ, ये भी मैं वो यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फाइनली आप जब इसको ऐसे करेंगे तो इस तरह से, और इस शेप को देख के मुझे बात याद आई कि मेरे बेटे ने, हमने अभी हार्डली हमारे गेस्ट आए थे, तो जब मैंने खाना उनको सर्व किया तो मेरे बेटे ने इसमें पापड़ डाल के रखे, बोला मम्मा इसको हम ऐसे यूज़ कर लें आज। मैंने उसको मना नहीं किया। तो यानी ये एक बास्केट है, आपको इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। और सच पूछिए तो मुझे याद, ढंग से तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने का लिया था, पर ये मेरे ख्याल से मुझे 700 रुपये के करीब पड़ा था, पर एक बास्केट से कितने सारे काम हो रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। मैंने अमेज़ोन पे इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे वहाँ पे ये नहीं मिला। अगर आप में से किसी के पास ऐसी बास्केट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा।